शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऋतु का मैसेज? अपने सास की सेवा। सॉरी, मेरा मतलब है अपनी छोटी बहन के सास की सेवा। भले ही तुमने मुझे खरी खोटी सुनाई हो, लेकिन मैं अपना फर्ज तो नहीं भूल सकती ना। आराम से बैठिए। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा, मैं आपका सर दबा देती हूँ। हमने कहा था तुम्हें कि तुम जल्दी आओ, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों के घरों की गंदगी साफ करो और उनकी सेवा करो। और दूसरों से पहले ना अपने घर पे ध्यान दिया करो। भूल गए तुम, हमें बाहर जाना था। चलो जल्दी। अरे हमने कहा ना जल्दी चलो, चलो चलो ऊपर। अरे हमने तुम्हें कहा था ना कि हमें सब्जी लेने जाना है आज। मम्मी जी, वो मैं टाइम पर आ गई थी, पर बाहर अचानक बर्तन के गिरने की आवाज सुनी तो जब जाकर देखा वहां ताई जी की तरफ। अच्छा, चार बर्तन तो इस घर में भी गिरते हैं, तब तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं होती है यहाँ की। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसी है ना, हम बताते हैं तुम्हें। तुम ना अभी तक हमें नहीं बल्कि नैना भाभी को अपनी सास समझती हो, है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। नैना, नैना, क्या हुआ नैना? क्या हो गया भाई? आप ठीक तो है? ये अचानक से क्या हो गया आपको? अरे जाओ जल्दी जाके पानी लेकर आओ। हाँ ला रही हूँ। भाभी, नैना, नैना, भाभी को कुछ हो गया। अरे भाभी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बेहोश हो गई। नैना, नैना उठो जल्दी, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। नैना, ताई जी, भाई साहब हिम्मत रखे, भाभी ठीक हो जाएंगे। देखो ना ये सब क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई। वरुण और कीर्ति भी दिल्ली गए हुए हैं। नैना, अब मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। भाई साहब चिंता मत करिए, हम सब हैं ना, हम सब हैं। ताई जी उठिए, ताई जी। वरुण जी, हम रेडी हो गए। चलिए चलो। वरुण जी बाद में रास्ते में बात कर लीजिएगा, हम लेट हो जाएंगे। एक मिनट। हेलो, क्या चाचू आप उन्हीं के पास रहिएगा, हम बस अभी फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या हुआ? वो मम्मी बेहोश होके गिर गई,
पता नहीं अचानक ऐसे कैसे होगी। डॉक्टर ने क्या बोला? वो अभी गया है डॉक्टर को बुलाने के लिए। हमें अभी फ्लाइट से वापस कानपुर जाना होगा। मुझे मुझे मम्मी को अकेले छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था। बस घर पे सब ठीक हो, मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ, ठीक है? वरुण, वरुण कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक। भाभी, वरुण तो हनीमून पर गया है ना, आप भूल गई? ताई जी, वो दिल्ली से निकल गए हैं, बस पहुंचते ही होंगे। नैना जी, आपके दवाई लेने का समय हो गया, दवाई ले लीजिए। नहीं, हम दवाई अब वरुण के हाथ से ही खाएंगे। मम्मी, वरुण, आपने तो सबको डरा ही दिया। अब आपकी तबीयत कैसी? आप ठीक हो ना? पापा, डॉक्टर ने क्या बोला? हुआ क्या मम्मी को? चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा, मम्मी का बीपी थोड़ा लो हो गया था, इसे चक्कर आ गए थे। अब कल जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब पता चलेगा कि बीपी लो क्यों हुआ था। अब हमारे बेटे आ गए हैं ना, अब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिएगा, रिपोर्ट भी सारी सही आएंगी और हम बिना दवाई खाए ही ठीक हो जाएंगे। मम्मी, बेटा, हमारी वजह से आपको अपना काम अधूरा छोड़कर आना पड़ा। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही? आपसे ज्यादा मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। और आपको क्या लगता है, मुझे पता हो कि आपकी तबीयत खराब है तो किसी भी चीज में मन लगेगा मेरा? आप, मैं अभी आई। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।